रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पम्मी एक चंचल स्वभाव की लड़की थी, लेकिन इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही खुश थी। और होती भी क्यों ना, उसके सारे सपने अब जल्द ही सच होने वाले थे। वो 4 साल से दलबीर से बहुत प्यार करती थी और फाइनली लाख नानुकुर के बाद दोनों के घर वाले इस शादी के लिए मान जाते हैं। वैसे तो दोनों के घर वाले उन दोनों के रिश्ते के साफ खिलाफ थे, लेकिन फाइनली उन दोनों ने लड़ाई झगड़ा करके अपनी अपनी फैमिली को शादी के लिए मना ही लिया था। एक दिन पम्मी अपनी माँ रेखा के पास जाकर उससे बोलती है, माँ मैं सोच रही हूँ कि अब मेरी शादी नजदीक आ रही है, तो क्यों ना मेरी किसी कजिन को शॉपिंग करने के लिए घर बुला ले। और आप तो जानती हो ना कि मेरी कोई बहन नहीं है। बेटा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन बुलाएं किसको? अरे माँ शन्नो दीदी को बुला लेते हैं पंजाब से। अरे तू तो जानती है ना बचपन में वो कैसी थी, अगर उसे बुलाया ना तो आफत आ जाएगी। माँ तब दीदी सिर्फ 8 साल की थी और अब वो पूरे 25 साल की हो चुकी है, और आप भी क्या बचपन की बातें लेकर बैठ गई। देख तुझे बुलाना है तो बुला ले, लेकिन मैं यही कहूँगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। रेखा अपनी बेटी पम्मी को लाख बार समझाती है कि वो शन्नो को इस शादी में ना बुलाए और शादी की शॉपिंग में उसका साथ तो बिल्कुल भी ना मांगे, लेकिन पम्मी रेखा की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं देती और तुरंत रेखा के सामने ही अपने कजन शन्नो को पंजाब कॉल करती है और बोलती है, दी कैसी हो आप, ना कॉल करती हो ना मैसेज करती हो, आपको तो अपनी छोटी बहन की याद ही नहीं आती। कैसी बात कर दी यारा, याद आती है और बहुत आती है, ये बता कॉल कैसे किया? मैंने सुना है तेरी शादी होने वाली है, तो कैसे चल रही है शादी की शॉपिंग? ये बता लड़का कौन है और शादी में बुलाएगी ना? अरे दीदी एक साथ कितने सवाल करोगे आप, आपको बुलाने के लिए ही तो कॉल किया है। मतलब मैं तेरी बात समझी नहीं। अरे मतलब गया भाड़ में, आप बस आ जाओ, दोनों मिलकर शादी की शॉपिंग करेंगे। तू बुलाए और मैं ना, ये तो हो ही नहीं सकता। शन्नो कुछ दिन बाद में अपना सामान लेकर पंजाब से पम्मी के घर आ जाती है, जिसके बाद दोनों कजन मिलकर शादी की सारी शॉपिंग करते हैं। कभी वो किसी दुकान से लिपस्टिक लेते तो कभी किसी दुकान से चूड़ियाँ। इसी के साथ साथ शन्नो पम्मी को मेकअप का सामान भी 50% ऑफ पर दिलाती है। धीरे धीरे पम्मी शन्नो के साथ अपनी शादी की सारी शॉपिंग कर लेती है और इसी के साथ साथ शन्नो पम्मी को सस्ते दामों पर सारा सामान भी दिलवा देती है। तभी एक दिन पम्मी रेखा से बोलती है, माँ देखो ना आप बेकार में ही शन्नो दीदी को गलत समझ रहे थे, उन्होंने मेरी शादी की शॉपिंग में मेरी कितनी मदद की, ऊपर से जो डिस्काउंट दिलाया वो अलग। हाँ हाँ चल चल अब अपनी माँ को मत सिखा, मैं अभी भी यही कहूँगी कि अपनी आँखें और कान खुले रख। इतना कहकर रेखा चली जाती है, लेकिन पम्मी को शन्नो पर अंधा विश्वास था। शादी के एक हफ्ते पहले पम्मी के मन में ख्याल आता है और वो एक रात अपनी शादी की शॉपिंग का मेकअप चेक करती है, जिसके बाद वो देखकर बोलती है, हाय राम रे ये क्या हो गया। पम्मी को ऐसे रोता और चिल्लाता सुनकर उसकी माँ रेखा भागी भागी उसके कमरे में आती है और उसे पूछते हुए कहती है, ये क्या इसमें से तो कुछ मेकअप गायब है। जिसके बाद रेखा पम्मी को ताना मारते हुए फिर से बोलती है, देखा मैंने बोला था ना तुझे कि ये लड़की चोर है, और इससे पहले भी ये तेरे सारे कपड़े लेकर गांव भाग गई थी, और अब देख रोज रोज छुप छुप कर ये तेरा मेकअप यूज करती है। माँ एक बात बोलूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो? अगर नहीं बताएगी तो ज्यादा बुरा मानूंगी। माँ मैंने अपनी शादी के सारे गहने उनके पास रखवाए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि उनके पास रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाय राम जी ये लड़की भी ना, इसे अपनी माँ से ज्यादा उस लड़की पर यकीन है, अगर वो तेरे कपड़े के साथ साथ तेरे गहने लेकर भी भाग गई तो? माँ मेरी मदद करो ना, क्या करूँ ये बताओ। अब करना क्या है, उस लड़की के आगे हाथ जोड़ लेते हैं और भगा देते हैं उसे। नहीं माँ उन्हें बुरा लगेगा, हो सकता है कि उन्होंने ये सब ना किया हो। एक तरीका है मेरे पास, हम दोनों उसके कमरे में चलते हैं और अलमारी में चेक करते हैं कि गहने हैं या नहीं, तब दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। रेखा और पम्मी दोनों शन्नो के कमरे में जाते हैं और शन्नो के अलमारी चेक करते हैं। रेखा का शक सही निकलता है, अलमारी में कोई गहना नहीं था, जिसके बाद रेखा वही दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। हाय राम जी मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी बेटी की शादी अब कैसे होगी।
रेखा के रोने का शोर सुनकर शन्नो जाग जाती है और दोनों से पूछती है, क्या हुआ? आप इस वक्त मेरे कमरे में और आप दोनों इतना रो क्यों रहे हैं? अब ये भी बताना पड़ेगा क्या कि हम क्यों रो रहे हैं और तूने क्या किया है? अरे मामी जी, जब तक बताओगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? अरे वो क्या बोलेंगी, मैं बताती हूँ। रोए नहीं तो क्या करे दीदी, आपने जैसे 8 साल की उम्र में मेरे कपड़े चुराए थे, अब मेरी शादी के गहने चुरा के पंजाब भेज दिए। अरे मैंने तो पहले ही बताया था तुझे कि ये लड़की सही नहीं है, लेकिन तू तो मेरी एक बात नहीं मानती। अरे 8 साल से चोरी करती आ रही है, ऐसे कैसे छूट जाएगी आदत? आप लोग मेरी बात तो सुनो। पम्मी, तुम्हारे गहने मामी के कमरे में सेफ में है। मुझे लगा कोई गहने चुरा ना ले, इसलिए मैंने उन्हें मामी के कमरे में रख दिया। इतना कहकर शन्नो पम्मी और रेखा को लेकर रेखा के रूम में जाती है और गहने दिखाकर बोलती है, ये देखो पम्मी, तुम्हारी शादी की शॉपिंग के सारे गहने, पर अब मुझे चलना चाहिए। पम्मी रोते हुए शन्नो के पैरों में गिर जाती है और बोलती है, दीदी मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी शादी से पहले कहीं मत जाओ। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने ही इसके दिमाग में शक का कीड़ा भरा। अगर आप दोनों को दिल से अपनी गलती का पछतावा है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा ये बात तो मैंने ही इसके दिल में डाली थी कि तुझे चोरी की आदत है, ये तो सब कुछ भूल गई थी। मुझे माफ कर दे बेटा। पर दी, आपने मेरी शादी के शॉपिंग में से मेकअप का सामान तो यूज किया है ना, जबकि आप जानती थी कि वो सामान मुझे अपने साथ लेकर जाना है। अरे बाबा, मैंने तेरा कुछ यूज नहीं किया, वो सब बचपन की बातें थी जब मैं तेरी चीजें चुरा कर इस्तेमाल करती थी। तो फिर मेरा सारा मेकअप का सामान कहाँ गया जो आपने मुझे 50% ऑफ पे दिलाया था? जिसके कई देर सोचने के बाद में तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और शन्नो बोलती है, हम पम्मी के कमरे की निगरानी करेंगे, जो भी चोरी करने आ रहा है दोबारा चोरी करने जरूर आएगा, जिसके बाद हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। हाँ दीदी, बहुत अच्छा प्लान है, मैं तो उस चोर की चटनी बना दूंगी जिसने मेरा सामान चुराया। जिसके बाद वो तीनों मिलकर पम्मी के कमरे की निगरानी करती हैं, ताकि पता चल सके कि मेकअप आखिर जा कह रहा है। तीनों रात को पम्मी के कमरे में छुप कर बैठ जाती हैं, लेकिन ना कोई मेकअप चुराने आता है और ना ही इस्तेमाल करने। जिसके बाद पम्मी की आंख लग जाती है और शन्नो और रेखा जगे थे, आखिर सोते कैसे, उन्हें चोर का पता जो लगाना था। जिसके बाद अचानक तभी पम्मी नींद में चलते हुए गाना गाती है, मेरी शादी की शॉपिंग के सैंडल, मेरी शादी की शॉपिंग का मेकअप। इतना कहकर वो नींद में थोड़ा मेकअप और सामान उठाती है और उसे ले जाकर किसी बैग में छुपा देती है। जब शन्नो और रेखा वहाँ जाके देखते हैं तो सारा गायब हुआ शादी की शॉपिंग का सामान वहाँ मिल जाता है। जिसके बाद ये सारी बातें याद करके वो सुबह पम्मी को बताते हैं और तीनों जोर जोर से हंसते हैं। रेखा अपने नास्तिक बेटे ऋषि के लिए एक ऐसी बहू की तलाश कर रही थी जो उसके बेटे को संभाल ले। एक दिन रेखा दुर्गा माँ के मंदिर में दर्शन को जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात देवांशी से होती है। देवांशी एक बहुत ही समझदार और धार्मिक लड़की थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। दुर्गा माँ के मंदिर के पुजारी ने ही उसका पालन पोषण किया। वो दुर्गा माँ को अपनी माँ के समान मानती थी। रेखा को देवांशी पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो देवांशी से अपने बेटे के विवाह के विचार से मंदिर के पुजारी से बात करती है। जय माता दी पुजारी जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जय माता दी जी, कहिए क्या बात है? अरे वो जो इस मंदिर में लड़की है ना देवांशी, मुझे बड़ी पसंद है। कितनी सुंदर, गुणवान और धार्मिक है। मुझे मेरे बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। जी वो तो है ही, उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा जो है। वैसे मैं भी कब से एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहा था मेरी बेटी देवांशी के लिए। जी मेरा लड़का भी पढ़ा लिखा समझदार बिजनेसमैन है। इस तरह मंदिर के पुजारी और ऋषि की माँ रेखा की तलाश पूरी होती है और कुछ दिनों बाद देवी माँ की कृपा से ऋषि और देवांशी का विवाह हो जाता है। ऋषि अपनी माँ का लाडला बेटा होता है। वो अपनी माँ की बात मानकर देवांशी से शादी तो कर लेता है, पर उसे देवांशी का ये पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो हमेशा उसे पूजा पाठ के लिए रोकता टोकता रहता है। और फिर एक दिन सुबह, ऋषि जी
थोड़ी देर रुक जाइए ना, प्रसाद खाकर और टीका लगाकर घर से जाना बहुत शुभ होता है। क्या है तुम्हें? मेरा लंच पैक करके दो और अपनी ये जुबान बंद रखा करो, मुझे शुभ अशुभ बता रही है। ऋषि की बात सुनकर देवांशी की आंखें भर जाती हैं। वो वहाँ से चली जाती है और देवांशी की सास रेखा बोलती है, बेटा बहू सही तो कह रही है, प्रसाद खाकर और टीका लगाकर घर से जाएगा ना तो देवी माँ की कृपा से काम दो गुना बढ़ेगा। माँ आपको तो पता है ना, मैं इन सब अंधविश्वासों में बिलीव नहीं करता। जो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय। इस तरह हर रोज सुबह ऋषि ऐसे ही चले जाता है। वहीं देवांशी और उसकी माँ को ऋषि का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन शाम को ऋषि ऑफिस से घर पे आता है। वो देखता है कि उसके घर पे मोहल्ले की औरतें जमा होकर भजन कीर्तन कर रही हैं। उसे ये सब देख के मन ही मन गुस्सा आता है, पर वो सबके सामने कुछ नहीं बोलता और सीधा अपने कमरे में जाकर लाउड म्यूजिक बजा देता है। देवांशी को ऋषि के ऐसा करने पे बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर म्यूजिक को ऑफ कर देती है और ऋषि से कहती है, ऋषि जी क्या है ये सब, आपको शर्म नहीं आती? वहाँ माता का भजन कीर्तन चल रहा है और आप यहाँ लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम मुझे सिखाओगे क्या अच्छा है क्या बुरा? ध्यान से सुन लो मेरी एक बात, ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। यहाँ क्या सुनना है क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूँगा, तुम कौन हो? पर मैं तो बस वो इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको प्रॉब्लम ही क्या है पूजा पाठ से? हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम है पूजा पाठ से। सुन लिया तुमने, अब ये शाम के टाइम भजन मंडली यहाँ नहीं होनी चाहिए। माँ का बैंड बजा रखा है तुमने। ऋषि की बातें सुनकर देवांशी को बहुत दुख होता है और वो माता रानी के सामने हाथ जोड़ के कहती है, हे माता रानी अब तो आप ही कोई चमत्कार दिखाओ, कुछ ऐसा करो कि इनका विश्वास फिर से आप पर आ जाए। इस तरह देवांशी माता रानी से प्रार्थना करके अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। उसकी सास रेखा उससे कहती है, अरे बहू दुर्गा पूजा की सारी तैयारी हो गई ना? जी सासू माँ बिल्कुल, और मैंने माता रानी का उपवास भी रखा है घर में सुख शांति के लिए। तभी अचानक वहाँ उदास सी सूरत लिए ऋषि आता है और बोलता है, माँ मेरे हाथों से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला गया, मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा अब फ्यूचर में। अरे मेरे लाल तू इतनी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ऋषि जी माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, माता रानी सब ठीक कर देंगी, आप चिंता मत करो। इतना कहकर रेखा और देवांशी पूजा में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषि को अपने बिजनेस में हुए लॉस की टेंशन डिप्रेस्ड कर देती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी वो सोचता है कि देवांशी कितना खुश रहती है, इसे भी हजारों टेंशन है, पर ऐसा क्या है जो ये इतनी टेंशन में भी डिप्रेस्ड नहीं होती। वो देवांशी के पास जाता है और उससे पूछता है, देवांशी एक बात बताओगी? हाँ जी ऋषि जी पूछिए। यार तुम मतलब इतनी खुश कैसे रह लेती हो, तुम्हें भी तो इतनी टेंशन है ना? जी ये सब माता रानी की कृपा है, मेरा उन पर अटूट विश्वास है। जब मन बहुत उदास होता है तो मैं बस माँ का ध्यान करती हूँ, बड़ी शांति मिलती है। अच्छा ऐसा है, तो अब से मैं भी माता का ध्यान करूँगा और फिर देखता हूँ सब ठीक होगा या नहीं। जी उसका तो नहीं पता, पर हाँ आपको प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत जरूर मिलेगी। इस तरह देवांशी की बातों से प्रभावित होकर ऋषि भी माता रानी की मन से पूजा करने लगता है और धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगता है। उसकी माँ रेखा को बेटे के नास्तिक से आस्तिक होने पर बेहद खुशी होती है। तभी एक दिन उनके घर पे एक फोन आता है।
हेलो, आई एम घुंगरू गुप्ता, कैन आई स्पीक टू मिस्टर ऋषि? हाँ जी गुप्ता जी, मैं ही बोल रहा हूँ। तो ऋषि, मैंने आपका पिछले साल का परफॉर्मेंस देखा, मुझे वो बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। गुप्ता जी की बात सुनकर ऋषि फूला नहीं समाता और अपनी माँ रेखा और बीवी देवांशी को ये खुशखबरी सुनाता है। ये सुनकर वो दोनों भी बेहद खुश हो जाती हैं और माता रानी से घर में इस तरह सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करती हैं। ऋषि भी माता रानी के आगे हाथ जोड़ता है। इस तरह रेखा की आस्तिक बहू देवांशी अपने नास्तिक पति को भी आस्तिक बना देती है और तीनों घर के मंदिर के सामने माता रानी का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। ए माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय माता दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।